आगे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लगातार तीसरे दिन बज्जू क्षेत्र में बारिश के कारण हुए जलभराव के बाद राहत कार्यों की मॉनिटरिंग की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीणों के सुझाव के बाद गड़ियाला गोविंदसर और मंडाल के रास्ते आने वाली नदियों के बहाव को कम करने के लिए बांध निर्माण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है, उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। 28 जुलाई को सुबह 5 बजे से लगातार 2 घंटे तक कोलायत विधानसभा क्षेत्र के काफी बड़े एरिया में बारिश हुई और बरसात इतनी ज्यादा तेज थी कि हमारे क्षेत्र के सभी तालाब और बंधे आदि भर गए और नदियों का रूप ले लिया, और उसकी वजह से कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दियात्रा गांव, मंडाल, मंडाल भाटियान, गोविंदसर, मोटासर, ग्रांदी, गड़ियाला, बज्जू तेजपुरा, बज्जू खालसा, उधर माधोगढ़, बीटनोक सहित करीब 2 दर्जन से भी अधिक गांव में घरों में पानी भर गया, और उसके साथ साथ खेतों में जो कि पानी इतना ज्यादा था कि खेत जलमग्न हो गए और पानी ने नदियों का रूप ले लिया, तो जो खेतों में खड़ी फसलें थी वो भी बह करके चली गई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है, हजारों किसानों के खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई, हजारों की संख्या में लोगों के मकान ध्वस्त हो गए। और पिछले 3 दिनों से मैं इस क्षेत्र में लगातार दौरे पर हूं, और अभी एक बहुत दुखद घटना और हो गई, उसमें एक युवक की, बज्जू के एक युवक की मृत्यु हो गई पानी में डूबने से, और उसकी बहन की भी डिग्गी में गिरने की वजह से मौत हो गई। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी, और इस प्राकृतिक आपदा में हमारे क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन से बात की गई है, उपखंड स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को हमने कहा है कि फसलों के खराबा हुआ है उसकी विशेष गिरदावरी करवाई जाए, और जो मकान गिरे हैं उन गिरे हुए मकानों, कच्चे हो चाहे पक्के मकान हो, जो लोग बेघर हो गए हैं उनका सर्वे करवाया जाए और उसकी सूची बना करके जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार तक भेजी जाए, जिससे कि इन किसानों की फसलों का मुआवजा दिया जा सके।